नमस्कार, आप देख रहे हो सत्य लकीर। मैं हूं राकेश। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको दिखा रहे हैं बावे वाला माता का मंदिर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध यहां पर देवी माता को पूजा जाता है। तो बड़े बड़े दूर से यहां पर श्रद्धालु आते हैं। ऐसे ही दो श्रद्धालु हमारे बीच में हैं जिन्होंने आज बावे वाली माता में आके यहाँ पर लंगर वगैरह लगाया और लोगों को प्रसाद ग्रहण करवाया है। मैं सत्य लकीर की तरफ से इनको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, जो इतने नेक कार्य कर रहे हैं, समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और जहाँ पर प्रसाद लगा रहे हैं। जो बाहर से हमारी जहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो खाना खा रहे हैं, खाने का लंगर लगाया, चावल लगाए, राजमा लगाए, जहाँ पर पूड़ी लगाई, हलवा लगाया, सभी प्रकार के लंगर जहाँ पर इन्होंने रखे हैं। तो आइए एक बात की एक नज़र डालते हैं। हमारे जो श्रद्धालु हैं इन्होंने जहाँ पर जो लंगर लगाया है, इनकी कोई मन्नत पूरी हुई है या कोई खुशी का लंगर लगाया हुआ है, तो एक बात की है हमारे साथ यहाँ पर श्रद्धालु। सबसे पहले तो मैडम जी आपका सत्य लकीर में बहुत बहुत स्वागत है। पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नेहा है। और मैम कहाँ के रहने वाले हो आप? हम मीरा सब ब्रिज नगर के रहने वाले हैं। अच्छा, जैसे आप देख रहे हैं कि मीरा सब ब्रिज नगर के रहने वाले हैं। मैम जो आज आपने यहाँ पर लंगर लगाया है, या आपकी कोई मन्नत थी, या आप हर महीने लगाते हो या साल में एक आधी बार लगाते रहते हो? सबसे पहले मैं सबको जय माता दी बोलना चाहूँगी। और नहीं, ये हमने हमारी खुशी से लगाया है, ऐसा नहीं है कि कोई मन्नत थी हमारी, ऐसा नहीं है। ये हमने हमारी खुशी से लगाया है और हमारी कोशिश रहती है कि हम साल में दो बार या छः महीने में कहें तो एक बार हम लगाने की ज़रूर अपनी कोशिश करते हैं। ये हमने नहीं लगाया, ये लगवाने वाली माता रानी है, ये उनकी श्रद्धा है हमारे प्रति, जो हमने आज लंगर का आयोजन किया है। तो आप देख रहे थे सत्य लकीर जी किस तरह से हमारी यहाँ पर बहन ने बताया है कि ये हर साल या हर महीने के जब इनको टाइम मिलता है तो लंगर लगाते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो आप देखते रहिए ताज़ा अपडेट सत्य लकीर। मैं हूँ राकेश। जय हिंद, जय भारत।